With my content writing skill, I'm making above at least 100K per monthly income. मैंने लिंक्डइन से बहुत अच्छी क्लाइंट हंटिंग की और इस वक्त मैं 2 रिमोट जॉब्स को कर रही हूँ. वन इज मैं एक यूएस से बेस्ड न्यूज़लेटर पे काम कर रही हूँ एज अ कंटेंट राइटर और सेकंड मेरी जो जॉब है दैट इज कैनेडियन बेस्ड लॉ फर्म. और ये मेरे लास्ट मंथ का मेरा इनकम स्क्रीनशॉट है कि मेरी लास्ट मंथ की इनकम एटलीस्ट ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें और भी एडिशन है. इट वाज 1,42,000 बट अल्हम्दुलिल्लाह आई स्किल्स ने इतना कैपेबल कर दिया है कि हम दुनिया के जिस जगह पे भी जाएं अपनी स्किल को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. दोस्तों हमें बेशुमार सक्सेस स्टोरीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी आम जिंदगी के मसाइल छोटी छोटी रुकावटों को कभी बड़ी रुकावट नहीं समझा, उन्हें बहुत आसानी से फुलांगा और कामयाबी के रास्ते पर अपना सफर जारी रखा. हमारे दरमियान ऐसी ही एक माँ मौजूद है जिन्होंने अपने 2 बच्चों को परवान भी चढ़ाया, जिन्होंने अपनी घरदारी भी संभाली, लेकिन इसके साथ साथ वो एक हकीकी मानों में सिन्फ़ आहन की तरह टेक की इस दुनिया में कूदी. उन्होंने अपना आप मनवाया और वो आज अपने घर का एक बहुत बड़ा सहारा है. बिलाशुबा आप इंस्पिरेशन है पाकिस्तान की करोड़ों खवातीन के लिए. ये सक्सेस स्टोरी वो आपको खुद सुनाएंगी. भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए फिजा अरसलान. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू पे थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्पेशली टू द आई स्किल मैनेजमेंट फॉर कंसीडरिंग मी हियर. सो मेरा नाम तो ऑलरेडी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आई एम फिजा अरसलान एंड मदर ऑफ 2 किड्स. नाउ विद माय कंटेंट राइटिंग स्किल आई एम मेकिंग अबव at least above 100K per monthly income. So मेरा journey like कोई बहुत बड़ा journey नहीं है या मेरी story it's not big one, but I must say कि ये ladies के लिए too much motivational. 2020 से लेकर 22 तक अपना online journey continue किया और 2022 के start तक मैंने कुछ हासिल नहीं किया, just disappointment. वो इसलिए क्योंकि जिन भी प्लेटफॉर्म से मैंने कोर्सेज किए वो ऑल वर जस्ट मंजन सेलर यू कैन से. सो फाइनली मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि फिजा आपने अगर इस पूरे प्रोसेस से गुजरना है तो मैं एक ऐसे इदारे के बारे में जानता हूँ जो लिटरली लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं और बहुत मोटिवेशनल मतलब उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं. तो मेरे हस्बैंड ने आई स्किल्स में मेरा 2022 में एडमिशन कराया और फिर ऐसा हुआ कि लाइक जैसे ही मैंने स्टार्ट किया लर्निंग के साथ साथ अर्निंग तो सबको चाहिए तो मैं साथ साथ आर्टिकल राइटिंग कर रही थी. जैसे ही मैंने आई स्किल्स में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय कोर्स डेफिनेटली अब वो टाइम आया था कि मुझे मूव करना था किसी ना किसी अर्निंग प्लेटफॉर्म पर. तो मैंने अपने सीनियर से सजेशंस ली तो मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे कहा कि आप अपवर्क ज्वाइन कर लो और कुछ ने मुझे कहा कि आप फाइवर पे आ जाओ. बट डेफिनेटली एज वी नो कि इन प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो मैंने इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के अलावा मैंने लिंक्डइन को ज्वाइन किया. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग लिंक्डइन एक ऐसा अच्छा और फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इजीली अगर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को बना लेते हैं तो आप इजीली बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं. और ये मेरे लास्ट मंथ का मेरा इनकम स्क्रीनशॉट है कि मेरी लास्ट मंथ की इनकम एटलीस्ट ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें और भी एडिशन है. इट वाज 1,42,000. मैंने लिंक्डइन से बहुत अच्छी क्लाइंट हंटिंग की और इस वक्त मैं 2 रिमोट जॉब्स को कर रही हूँ. वन इज़ मैं एक यूएस से बेस्ड न्यूज़लेटर पे काम कर रही हूँ एज अ कंटेंट राइटर और सेकंड मेरी जो जॉब है दैट इज़ कैनेडियन बेस्ड लॉ फर्म. जहाँ लॉ फर्म की बात आती है तो ये बहुत इजी नहीं होता लॉ फर्म के लिए लिखना, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई स्किल्स ने इतना कैपेबल कर दिया है कि हम दुनिया के जिस जगह पे भी जाएं अपनी स्किल को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. सो अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अचीव कैसे किया. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं लिंक्डइन पे गई, लिंक्डइन पे मैंने बिल्कुल अपने चचा ताए मामू पुपो किसी के भी बच्चों को फॉलो नहीं किया. लाइक कनेक्शन बनाने पे मैंने फोकस नहीं किया. मैंने इस चीज़ पे फोकस किया कि मुझे उन क्लाइंट तक पहुंचना है, उनको आउटरीच करना है, उन प्रोफाइल को फॉलो करना है जो एटलीस्ट मेरी प्रोफाइल से मैच करते हों. और सेकेंडली मैंने प्रिसाइज डिस्कशन की है हमेशा क्लाइंट के साथ. लाइक ये नहीं, मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे जूम मीटिंग में बात करूँ.
लाइक क्योंकि जब हम मैसेजिंग पे होते हैं तो डेफिनेटली समहाउ हमारी कोई ना कोई बात या तो डिलीवर नहीं हो रही होती या फिर ऐसा होता है कि हम अपनी बात को क्लाइंट की बात को रिसीव नहीं कर सकते. सो मैं जूम मीटिंग या लाइव मीटिंग को प्रेफरेंस देती हूँ. नेक्स्ट ये है कि मैंने हमेशा एक चीज़ सर तनवीर नांडला से सीखी है जो आई स्किल्स ने हमारे ऑलमोस्ट आप सबके माइंड में ये बात घोल दी होगी कि क्वालिटी वर्क पे फोकस करना है. कभी भी आपने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कभी भी नहीं करना, बिकॉज क्लाइंट एक दफ़ा तो आपसे काम करवाएगा बट नेक्स्ट वो आपकी तरफ कभी भी रिटर्न नहीं होगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मैं क्लाइंट के काम को इस तरह से करती हूँ जैसे इट्स माई ओन वर्क. मैं उसको इस लिहाज से नहीं करती कि इसके बदले में मुझे पेमेंट मिलनी है. मैं समझती हूँ कि मैं अपना बेस्ट टू बेस्ट उसको दूँ क्लाइंट को. आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ये तो मेरी अचीवमेंट थी. तो आई मस्ट से जस्ट डोंट गेट डिले, जस्ट डोंट गेट डिले. अगर आपने अभी तक अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ नहीं किया कि जहाँ पे आप अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं, तो ऑलरेडी ये डिले हो चुका है. स्पेशली वो लेडीज़ जो मैरिड हैं और कहती हैं कि हमारे बच्चे हैं, तो मैं उनको मस्ट कहूँगी कि आप लोग अपनी जो रिलेशन्स हैं प्लीज़ उनको आप बिल्कुल भी अपने लिए वीकनेस मत बनाएं, बिकॉज हमारे रिलेशन हमारे किड्स. सो डेट्स व्हाई मैं उनको समहाउ छोटी सी टिप्स दूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं. लाइक आपका जो कवर फ़ोटो होना चाहिए इट शुड बी रिलेट टू योर स्किल. सेकंड ये है कि आप जो हेडलाइन को कवर कर रहे हो वो आपकी स्किल से रेलेवेंट होनी चाहिए. एंड द थर्ड पॉइंट दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट कि आपकी कोई ना कोई अचीवमेंट्स होंगी डेफिनेटली किसी की आर्टिकल राइटिंग में होगी, जिससे जो आपके स्किल के रेलेवेंट अचीवमेंट हो आप उसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर मस्ट मैंशन करें. That's it. ये चंद पॉइंट हैं. अगर तमाम लेडीज़ जो यहाँ पे बैठी हैं उनके ऊपर एक्ट करती हैं, उसको फॉलो करती हैं, आई अश्योर यू नेक्स्ट टाइम यू ऑल्सो विल बी हेयर एज आई एम स्टैंडिंग हेयर. थैंक यू सो मच. और लास्ट में मैं थैंक्स कहना चाहूँगी स्पेशली सर तनवीर नांडला को एंड माई मेंटोर सर आबिद बांगा, सर असवद बलोच एंड माई ऑल स्पोर्ट टीम, क्योंकि मैंने इन लोगों को बहुत तंग भी किया और फाइनली इन लोगों की मेंटोरशिप की वजह से आई एम हियर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.